आईपीएस या पावर सप्लाई, मैं जैसे बताता हूँ और मुझे जो लगता है, ये सिग्नलिंग का हार्ट है। इसलिए जैसे हार्ट वीक होने से अपने हर एक अंग में वीकनेस या अपने हर एक अंग फुल एफिशिएंसी से काम नहीं करते, इसी तरह अगर सिग्नलिंग का पावर सप्लाई वीक होगा तो उसके सभी गियर में ट्रबल आएगी या फुल एफिशिएंसी से वो काम नहीं करेंगे। हम किसी को टेम्प्ररी अगर किसी इक्विपमेंट में पावर सप्लाई कम, इक्विपमेंट चेंज कर ले या उसकी कैपेसिटी बढ़ा ले तो टाइमिंग उसमें हो सकता है थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ जाए, लेकिन पावर सप्लाई वीक होगा तो बार बार उसमें कंप्लेंस या गियर फेल होगा या फुल एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं इसे हार्ट बोलता हूँ सिग्नलिंग का। और जिस तरीके से हम हमारे शरीर के हार्ट की कितनी केयर करते हैं हमें पता है, बहुत कम करते हैं। जब हार्ट अटैक आता है या तो तकलीफ आती है तो आईसीयू बड़े खर्चे में उतर जाते हैं। इसी तरह सिग्नलिंग सिस्टम में हम पावर सप्लाई की केयर नहीं करने से बहुत क्रिटिकल पोजीशन में आ जाते हैं जब इसके फेलियर्स होते, बार बार होते हैं। तो ठीक है, यहाँ आपको एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है, लेकिन मेरी हमेशा पढ़ाई प्रैक्टिकल रहती है। क्या पावर सप्लाई है, क्यों है हमारे पास, उसको हमें देखना है, चेक करना है। तो आईपीएस इंडिकेटर पावर सप्लाई आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन 165/2004 अमेंडमेंट अलग अलग आते रहते हैं, आपको पता ही है। तो क्या स्पेशल फीचर है आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन के आपकी स्क्रीन में है? मॉड्यूलर चार्जर इजीली रिप्लेसेबल, वाइड रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज 150 to 275, लो करंट डिस्टोरेंस एंड हाई पावर फैक्टर, हाई एफिशिएंसी मोर देन 90%, एक्टिव करंट शेयरिंग। अभी अपने सिग्नलिंग सिस्टम में ये बहुत ही चीजें आती हैं, हॉट स्टैंड बाय, वॉट स्टैंड बाय और कोल्ड स्टैंड बाय। तो हॉट स्टैंड बाय क्या है? ये हॉट स्टैंड बाय का मतलब है जितने भी इक्विपमेंट, स्टैंड बाय मतलब मोर देन वन, जितने भी इक्विपमेंट हैं वो शेयरिंग मोड में रहते हैं। एक बंद होने से जो भी आपका लोड है अदर में शेयर हो जाएगा। जैसे कि 15 एम्पियर लोड है और तीन हमारे शेयरिंग कर रहे हैं, तीन इक्विपमेंट ऑन है तो 5-5 एम्पियर ले रहे हैं। एक बंद हो जाएगा तो वो लोड दोनों पे 7.5-7.5 एम्पियर चला जाएगा। इसमें कोई भी टाइम लॉसेस या टाइम का कोई गैप नहीं है, सर्किट में कंटिन्यूस करंट या वोल्टेज सप्लाई बना रहेगा। हॉट स्टैंड बाय का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। तो इसीलिए हमारे जो भी हॉट स्टैंड बाय में इक्विपमेंट होते हैं उसे हम N+1 बोलते हैं। तो N मतलब मिनिमम कितने रिक्वायर्ड है। जैसे आपका आईपीएस का SMR 20 एम्पियर्स का है और आपका सर्किट लोड अगर 25 एम्पियर है या 20 भी एम्पियर है तो हमें उसको शेयर करने के लिए मिनिमम 20 का एक और प्लस वन दो चालू रखना है, तो उसे बोलते हैं N+1। जो अगर 25 एम्पियर है तो N=2 हो जाएगा, 20 एम्पियर है तो N=2 हो जाएगा और प्लस वन मतलब तीन मिनिमम हमें चालू कर रखने हैं। तीन से ज़्यादा कितने भी चालू रखने हैं वो अपने ऊपर है, लेकिन मैं बोलूँगा हमें कभी कभी हमारे छोटे छोटे टेसन का सर्किट लोड 12-1 एम्पियर होता है और हमारे आईपीएस वहाँ जो भी डिमांड किए होते हैं उसमें 6-6 SMR होते हैं और कोई कोई लोग 5-5 SMR चालू रखते हैं, वो सही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा N+2 आप स्टैंड बाई मोड पर रखना चाहिए, क्योंकि हर एक इक्विपमेंट की एफिशिएंसी किसी की भी 100% नहीं होती है, तो उससे ज़्यादा चालू रखने का कोई मतलब नहीं है। प्लस जो स्पेयर इक्विपमेंट है वो टेस्टेड होने चाहिए टाइम टाइम में। हर एक मेंटेनेंस शेड्यूल में जो आदमी आता है वो उसे हर एक शेड्यूल में एक अपना स्पेयर इक्विपमेंट को लोड पे डाले और लोड वाले को स्पेयर करके उसका प्रॉपर मेंटेनेंस, ब्लोअर, टाइटिंग और प्लस इंसुलेशन टेस्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी इक्विपमेंट सर्किट में डालना है तो तीन टेस्ट करने हैं हमें। सबसे पहले क्लीनिंग यानी देखना है अंदर बाहर से मिसिंग पार्ट या टूटे फूटे पार्ट के लिए, साफ सफाई, टाइटिंग सभी टर्मिनल जो भी हैं वो टाइट करने हैं, और थर्ड है इंसुलेशन टेस्ट।
उसके बाद अपने को सर्किट में डालना चाहिए। दूसरा है वार्म स्टैंड बाय। तो वार्म स्टैंड बाय क्या होता है, आपका जैसे इन्वर्टर वन, इन्वर्टर टू और CVT, ये तीनों आपस में वार्म स्टैंड बाय मोड पे रहते हैं, मतलब एक से ज़्यादा इक्विपमेंट ऑन है लेकिन लोड किसी एक पे रहेगा, एक जब बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक लोड दूसरे पे ट्रांसफर होगा, जिसे हम वार्म स्टैंड बाय बोलते हैं। इसी तरह अपना इन्वर्टर वन पे सिग्नलिंग लोड रहता है, वन बंद हो जाएगा तो इन्वर्टर टू पे चला जाएगा, टू बंद हो जाएगा तो आपका CVT पे चला जाएगा, इसे वार्म। और कोल्ड स्टैंड बाय मतलब हमारा एक अच्छा इक्विपमेंट, टेस्टेड इक्विपमेंट वायरिंग करके स्पेयर में रखा हुआ है, खाली इसको किसी मैन्युअल, कोई भी मैन्युअल काम करके उसे हम रोड पे डाल सके, रिमोट से डाले, प्रोग्राम स्विच को एक से और करे, MCB ऑन करे, इसको बोलते हैं हम कोल्ड स्टैंड बाय। लेकिन हम जो कोल्ड स्टैंड बाय रखते हैं वो सही नहीं है। कोल्ड स्टैंड बाय में इनपुट आउटपुट कटा हुआ होना चाहिए एज पर रूल। तभी ये कोल्ड स्टैंड बाय क्यों रखना है, क्योंकि जो भी आपका सर्ज वोल्टेज है वो सर्ज वोल्टेज जब आएगा लाइन में तो वर्किंग इक्विपमेंट में जाने की, उसको डैमेज करने की संभावना बनी रहती है। कोल्ड स्टैंड बाय इंपॉर्टेंट सर्किट में रखते हैं, ताकि ऐसे सर्किट में अगर वर्किंग वाले इक्विपमेंट खराब हो जाए तो कोल्ड स्टैंड बाय बच जाए। अगर इनपुट कनेक्टेड है, आउटपुट कनेक्टेड है लाइन से, तो उसमें से सर्ज उसमें आ सकता है, वो भी खराब हो सकता है। तो सही में जो कोल्ड स्टैंड बाय होगा मेरे हिसाब से वो इनपुट और आउटपुट दोनों कटा हुआ रहना चाहिए, तभी वो सही में कोल्ड स्टैंड बाय है। बाकी तो आपको ये DC-DC का सभी बताए, मॉड्यूलर डिजाइन होती है, लो रिपल वोल्टेज है सभी की, ये इसके लिए मैं आपसे ज्यादा बातें करूंगा, फीचर्स आपको पता ही है सब। वर्ला बैटरी क्या होती है, वार रेगुलेटेड बैटरी है, कहीं कहीं इसके फुल चार्ज सेल वोल्टेज क्या होते हैं ओपन सर्किट के अंदर, फुल डिस्चार्ज वोल्टेज आपके ओपन सर्किट में लिखा हुआ है 1.95, क्लोज सर्किट में 1.75। साइलेंट फीचर कुछ बरला बैटरी के दिए हुए हैं, नो ग्लेडिक टॉपिंग रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अभी तो इसको बंद कर दिया है। इन सब की जगह जो जरूर बैटरी कैपेसिटी हमें किस तरह निकाल, लोड करंट प्लस बैकअप टाइम मिनिमम अपने यहाँ 10 आवर्स हम मानते हैं, 10 आवर्स लेके चलते हैं। हमने बोला हुआ है कि 10 घंटे लाइट नहीं रहेगी तो भी हमारा सर्किट चलेगा। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना कि साहब वो पावर सप्लाई ट्रिप हो गया इसलिए फेल्योर हो गया, सही में हम नहीं बोल सकते कि हमारे CST ने लिख के दे दिया है कि 10 आवर्स तक हमें कोई हमारे जो सब है सिस्टम वो हम हमारे जो मतलब बैटरी बैकअप या उससे चलाएंगे। तो इसीलिए और प्लस अलाउड DOD, मतलब जो भी बैटरी कंपनी बना रही है उसने उसकी DOD भले वो 200 एम्पियर आवर्स की है लेकिन फुल उसकी 100% तक हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते, उसको 80-85 या 90% तक कंपनी ने लिखा रहता है। तो उसके हिसाब से ये DOD से आपको 0.8, 0.9 या 0.85, 0.7 जो भी लिखा हुआ है उससे डिवाइडेड करके आपकी जो भी कैपेसिटी आती है वो कैपेसिटी मतलब आ गई आपकी कैपेसिटी 210, तो 210 की तो कोई बाजार में बैटरी अवेलेबल नहीं है, तो अपने वहाँ जो भी बैटरी अवेलेबल नेक्स्ट 300 एम्पियर आवर्स है तो 300 एच के ओवर जाना है। इस तरह हमें इसका आंसर जो भी है मल्टीपल चॉइस के हिसाब से लिखना होता है। तो ये रिकमेंडेड करंट लिमिट, अलग अलग बैटरी हम कैपेसिटी बाई 10, जो आपकी बैटरी है उसको कैपेसिटी बाई 10 मैक्सिमम लोड ले सकते हैं, उस हिसाब से ये बना हुआ है। और जो भी कैपेसिटी है बैटरी की उससे आपका चार्जर की कैपेसिटी क्या रहेगी, तो आपका 25% ऑफ एज ध्यान रखिए नॉर्मली, बस वही ध्यान रखिए। आपको कैपेसिटी फिर उसका 2.5 मल्टीप्लाई करना है, उस निकाल से निकलना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बोल सकता हूँ एज का 25% चार्जर कैपेसिटी रहेगा। किसी को कोई प्रश्न है तो बीच में सर करके बात कर सकता है, साइलेंट फीचर वरला के हैं।
यहाँ आपको ये पीपीटी में आपको मिल जाएगी। ये इससे तो ये स्लाइड ज़्यादा आपकी अच्छी है, कंपैरिजन बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ लेड एसिड बैटरी। आपकी स्लाइड बड़ी हो सकती है क्या? यस स्लाइड थोड़ा बड़ी। किसी को कोई तकलीफ? स्लाइड स्लाइड थोड़ी बड़ी हो जाए तो इसको बड़ी करो। कर देता हूँ। ज्यादा बड़ी हो गई या कम? मुझे ठीक है, ज्यादा बड़ी हो। हाँ हाँ बस ये सही है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये ओके सर। तो आपकी कन्वेंशन वरला एलएमएलए भी लेनी है। चार्जिंग रिक्वायरमेंट रेगुलर फ्लोट एंड बूस्ट चार्जिंग इक्वलाइजिंग चार्जिंग 2.7 सही में अपनी जो पहले कन्वेंशनल बैटरी आती थी उसे हम कैसे चार्जिंग करते थे? पहला चार्जिंग होता था उसे बोलते थे इनिशियल चार्ज। तो इनिशियल चार्ज के लिए प्रति बैटरी हमें 2.7 वोल्ट और करंट 4% ऑफ कैपेसिटी बोला गया है, जो अपने में लिखा गया है। इनिशियल चार्ज करने के लिए बैटरी वोल्टेज या चार्जर वोल्टेज 2.7 वोल्ट पर सेल प्लस करंट 4% ऑफ एज। दूसरा होता है ये चार्जिंग आपका 30 से 35 घंटा चलता है। जो ड्राई बैटरी कंपनी से आती है उसके अंदर हम 1200 या 1190 का सॉल्यूशन बना के ग्रेविटी का बैटरी में डालते हैं, बराबर है, और उसके बाद उसे चार्ज करते हैं। 30 से 35 घंटा चार्ज चलेगा। इसको फिर डिस्चार्ज करना है जब 50% या उससे ज़्यादा बैटरी की ग्रेविटी या वोल्टेज नहीं बढ़ रहे हैं, तब उसको कैपेसिटी बाय 10 से डिस्चार्ज करना चाहिए। और डिस्चार्ज करते समय अगर वोल्टेज बैटरियों का ज़्यादातर 1.8 से कम हो जाए या 1180 से बैटरी कैपेसिटी कम हो जाए, डिस्चार्ज बंद करना है। और सेकंड चार्ज बूस्ट चार्ज बोलते हैं, वो बूस्ट चार्ज के लिए वोल्टेज होता है प्रति सेल 2.4 वोल्ट। चार्जर वोल्टेज जो एडजस्ट करना है बूस्ट चार्ज में प्रति सेल 2.4 वोल्ट और करंट 10% ऑफ एज। ये चार्जिंग आपका 15 आवर्स तक चलता है, 12-15 आवर्स, फिर वापस डिस्चार्ज करना है। थर्ड फाइनल चार्ज भी बूस्ट चार्ज से ही करना है और उसके बाद उसे ट्रिकल पे रखना है। ट्रिकल और फ्लोट ये दो चीज़ें होती हैं। ट्रिकल का मतलब क्या है, फ्लोट का मतलब अंतर क्या है? ट्रिकल में लोड नहीं रहता है, विदाउट लोड हम कम एम्पियर से 1-5 mA प्रति एज बैटरी को चार्ज रखेंगे ताकि बैटरी पड़े पड़े जो डिस्चार्ज हो जाती है, आपका टेंशन बना नहीं है, ऐसी बैटरी 6 महीने पड़ी रह गई तो जब बैटरी हम लोड पे लगाने जाए तो डिस्चार्ज पोजीशन में रहे, इसीलिए हम ट्रिकल चार्ज पे लगाते हैं। और जो बैटरी लोड पे होती है कम एम्पियर से चार्ज होती है उसे हम फ्लोट बोलते हैं, बराबर है। तो यही सब यहाँ लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट सिंपल फ्लोट बूस्ट। तो आपके वरला के लिए 2.35-2.25 और एलएमएल के लिए 2.15-2.2। एजिंग फैक्टर क्या है इसमें, तो अप्रोक्स 1.2% सेम एज ट्यूबुलर डज नॉट डिके ड्यू टू एजिंग फॉर फर्स्ट 5 years एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट इज एज कैपेसिटी गोज अप फॉर पर फर्स्ट ईयर। तो जितना ये एलएमएल बैटरी अभी यूज करने का कारण यही है, इसकी कोडल लाइफ 5 years है, वरला की कोडल लाइफ 4 years है। हमारे एग्जाम में जो हमारा एक आंसर गलत हुआ था वो यही था, खाली ये पूछा गया था सेकेंडरी बैटरी की कोडल लाइफ क्या है, 4 और 5 साल भी था, हमने 4 साल वरला पढ़ाते थे, ज़्यादा 4 साल टिक किया था, लेकिन इससे पहले लेटर निकल चुका था क्या नेक्स्ट सभी सिग्नलिंग इंस्टॉलर में एलएमएल बैटरी लगानी है, इसीलिए वो 5 साल सही था। तो हमें लेटेस्ट जो भी हमारी गाइडलाइन है उसे हमेशा सर्कुलर को पढ़ते रहना चाहिए। एग्जाम से पहले जो जो सर्कुलर निकल रहे हैं या इससे पहले आपके 6 महीने पहले जो सर्कुलर निकलेंगे उससे लगते हुए 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं या ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो आप ये सर्कुलर्स
के ऊपर ध्यान रखिए, जो भी स्टोरेज तो पता ही है आपको, तो ये सब आपका जो है कॉस्ट नो डाउट, ये आपका आ गया चार्जिंग के लिए। एनोड वेनोड तो आपको पता ही है, लेकिन हो सकता है कदाचित पूछ ले एनोड और कैथोड क्या होता है, लेकिन वरला में मिक्स एलोयड होता है आपका PbO2, लेड पेरोक्साइड, पॉजिटिव लेड, नेगेटिव लेड, इनमें जाना नहीं है अपने को। वरला बैटरी की क्या स्टेट 10% क्या वोल्टेज, ये जो लिखा हुआ है एक स्लाइड मेरे पास थी आपको दी है, लेकिन आप इसको वेरीफाई करना ना, अलग अलग रोग अलग अलग हिस्से इसको देखते हैं, 10% 70% डिस्चार्ज का वोल्टेज क्या हो सकता है उसके ऊपर है वरला बैटरी का, लेकिन LMLA का अलग हो सकता है, उसका मेरे पास अभी कुछ वो नहीं है, तो आप इस चीज़ों को थोड़ा अपने लेवल पे चेक कर लीजिए। फ्लोट मोड में आपको किस तरह वोल्टेज सेट करना है वो यहाँ इस स्लाइड में बताया हुआ है, आगे भी एक स्लाइड है ये। वोल्ट के लिए 123.75 आ रहा है, थोड़ा आगे पीछे आपका हो सकता है, 24 वोल्ट के लिए 27 वाट। फ्लोट वोल्टेज सेटिंग बैटरी टर्मिनल, ये मैक्सिमम बैटरी चार्जिंग करंट आपका जो SMR है या वरला बैटरी या LMLA है, ऐसे हम 10 कैपेसिटी बाय 10 मैक्सिमम करंट चार्ज या डिस्चार्ज मानते हैं, लेकिन वो 20% तक वरला बैटरी दे तो 20 LMLA भी तो 20% लेने की ले सकती है, उसकी कैपेसिटी है इतना हैवी चार्ज तक वो खराब नहीं होगी, अगर नॉर्मल या उसमें कुछ कमी नहीं है तो सब तरीके से बैटरी अच्छी है तो कुछ खराब नहीं होगी, लेकिन कहीं कहीं हमारा एटमोसफियर टेम्परेचर ज़्यादा होती है, एजिंग कम हो गई है या बैटरी में कुछ डिफेक्ट है, तो ऐसे हैवी एम्पियर चार्जिंग में हो सकता है खराबी आ जाए, तो हमें वहाँ तक जाना नहीं है, कैपेसिटी बाय 10 ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बातें बाद में, एक तो मुझे पता है कि अपने जब भी पावर सप्लाई जाता है 1-2 घंटा बैटरी यानी लोड पे आ जाती है, उसके जब पावर सप्लाई आता है तो आग लगती है कहीं टर्मिनल वायर जल के, 230 वोल्ट का इनपुट का वायर या हमारी M1R M2R रिले के थर्म कॉन्टेक्ट जो ऑटोमेटिक चेंज ओवर है वो खराब होते हैं। रीजन क्या है? रीजन यही है कि हमारा 25 एम्पियर लोड है, हमारी 300 एच की बैटरी है, 30 एम्पियर पे कैपेसिटी बाई 10 का हमने एक BCL मोड होता है, बैटरी करंट लिमिटेशन IPS में, उसको नॉर्मली कैपेसिटी बाय 10 पे कंपनी वाले रखते हैं, मतलब 30 एम्पियर तक वो बैटरी में जाएगा जब भी आपके सभी SMR ऑन हो जाएंगे, क्योंकि आपने 20-20 एम्पियर के 5 SMR ऑन रखे तो जब वो बूस्ट मोड में आएंगे तो 100 एम्पियर करंट आउटपुट निकालेंगे, और अगर आपका सर्किट लोड 25 एम्पियर है तो 75 एम्पियर बैटरी में जाने की संभावना है, वो संभावना को ख़त्म करने के लिए वो BCL मोड है जो कि आपका एज का 10% पे नॉर्मल ये लोग रखते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी 30 एम्पियर बैटरी 25 से 27 एम्पियर लोड में चला जाता है, 110 का लोड मोर देन 55 एम्पियर होने पे, 230 का लोड तो कम आना चाहिए लेकिन वैसा होता नहीं है, वो 35 एम्पियर तक जाता है 30 से 35 एम्पियर के जाने पे, जहाँ जहाँ हमारा लूज कनेक्शन या वायर का डाया सही नहीं होगा, आप देखोगे M1R M2R रिले की कैपेसिटी भी 25 से 30 एम्पियर ही है, अब ये 30 से 35 एम्पियर जाएगा तो खराब होने की संभावना है, और उस टाइम क्या होता है आपका वोल्टेज कम होता है, 230 का वोल्टेज डाउन होने से M1R M2R रिले फुल प्रेशर से पिकअप नहीं होती, 180-190 वोल्टेज तक हमारा जो लो डिस्टोरेशन है या लो आउट LVD एक्टिव नहीं होता है, लेकिन हमारी M1R रिले फुल प्रेशर से पिकअप नहीं होना भी इतने हाई करंट पे स्पार्किंग होके वहीं ख़राब होता है, तो मैं ये चाहूँगा कि मेरा ये कहना है आप इसको भले हमारी 2 घंटे बैटरी डिस्चार्ज हुई है उसे ज़रूरी नहीं है वापस 2 घंटे में चार्ज करना, अब हमारा पावर सप्लाई कंटिन्यूस रहने वाला है तो वो भले कैपेसिटी बाय 5% से भी चार्ज हो 4 घंटे में,
तो कोई कमी नहीं है, ताकि हमारा 15 एम्पियर प्लस 25 एम्पियर 110 का 40 एम्पियर लोड जाएगा, 230 साइड लोड 25 एम्पियर से बढ़ेगा नहीं, तो आपका सिस्टम ज्यादा अच्छी तरह कार्य करेगा। रिपल वोल्टेज हमेशा हमें चेक करते रहने चाहिए आपके, ये यहां लिखा हुआ है रिपल वोल्टेज का, सेकेंडरी सेल का थोड़ा आपको केमिकल रिएक्शन सभी को पता होगा, लेकिन दो मिनट, ये कुछ अलग पीपीटी खुल गई है, मैं दूसरी पीपीटी खोलता हूं। अभी आपको शेयरिंग दिख रहा है कुछ, ये साइलेंट फीचर ऑफ वर्ला? हेलो हेलो, मेरी आवाज आप तक आ रही है भाई? आंसर करिए। जी सर आवाज आ रही है, थोड़ी स्क्रीन बढ़ा दो, स्क्रीन बढ़ रही है अभी तो रही है, बढ़ी है अभी आपका, अभी ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ऑटो पावर पैनल अभी तो अपने अंदर में नहीं रहा है, तो अभी थोड़ा सा मैंने ये ऑटोमेटिक पावर पैनल के कुछ सर्किट आपके काम लग जाए, जिसके पास हो थोड़ा, आरआरआई में जो रहता है वो यहाँ है, उसके बारे में कहीं मिलता नहीं है, तो इसलिए आपके लिए रखा है। अब पावर सप्लाई में आपका रेक्टिफायर या चार्जर, बैटरी चार्जर जिसे बोलते हैं हम, बराबर है, तो उसमें क्या फीचर्स रहते हैं, कुछ इसका भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो ये ऑटो चार्जर है, और ऑटो चार्जर में कुछ खास फैसिलिटियां होती है, ऑटोमेटिक फ्लोट टू बूस्ट, बूस्ट टू फ्लोट, बराबर है। और इसमें आपका अंदर एक मैनुअल स्विच भी रहता है, जब कभी ऑटो मोड पे खराब हो जाए तो उसे मैनुअल मोड पे चेंज ओवर करने के लिए। आपका करंट अगर 10-12% नॉर्मल जो करंट है वो बढ़ जाता है, तो ये फ्लोट से बूस्ट में चला जाता है, और बूस्ट मोड में जब बैटरी अच्छी चार्ज हो जाती है तो आपका करंट 5-7% अगर कम हो जाएगा तो वापस फ्लोट मोड में आ जाएगा। इस ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर में कुछ कंट्रोल्स अपने पास होते हैं, एक वोल्टेज कंट्रोल नॉब होता है जो फ्लोट वोल्ट में आपको किस तरह वोल्टेज एडजस्ट करने हैं उसके लिए हैं, मतलब आपकी वर्ला LMLA या कन्वेंशनल बैटरी है तो जो लिखा हुआ था ऊपर की स्लाइड में, उस हिसाब से आपको फ्लोट मोड में वो वोल्टेज एडजस्ट करना है। इसके अलावा एक करंट कंट्रोल मोड होता है, वो करंट कंट्रोल मोड का काम क्या है, जैसे कभी कभी हमारी 80H की बैटरी है उसमें अगर 30 एम्पियर का बैटरी चार्जर लगा है
तो जब वो बूस्ट में आएगा तो 30 एम्पियर निकालेगा और हमारा 80 एज की बैटरी मतलब उसका मैक्सिमम करंट 7 एम्पियर तक लोड होगा, तो 20 से 23 एम्पियर तक का बैटरी में जाने से बैटरी डैमेज हो सकती है। तो उससे बचाने के लिए वो करंट कंट्रोल मोड को हमें 50% कर देना है ताकि मैक्सिमम 15 एम्पियर निकालेगा। तो जिस बूस्ट मोड में मैक्सिमम BCL मोड जो IPS में करता है उसी तरह ये करंट कंट्रोल से हम आउटपुट करंट पे कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस ये अभी तो आते नहीं है, पहले आते थे तो हमें ध्यान रखना था कि इस चार्जर में एक अलग से स्पेयर कार्ड आता है, वो स्पेयर कार्ड अगर ऑटो मोड में आपका सर्किट खराब हो गया PCB, तो इस PCB को उस आपका फीमेल जो भी स्लॉट है उसमें ये PCB डाल के उसको वापस ऑटो मोड पे आप चालू कर सकते हो। दूसरा ये कहीं लगता है उसमें कमी हमारी ये थी कि हमारे पहले पावर सप्लाई बोर्ड हुआ करते थे, पावर सप्लाई बोर्ड से सिर्फ 2 वायर हम इस चार्जर पे लाते थे जिसे लोड या बैटरी टर्मिनल पे हम लगा देते थे, वो सही नहीं है। अगर इस चार्जर का फुल एफिशिएंसी हमें चाहिए तो हमें 4 वायर इस चार्जर पे लाने चाहिए, लोड वायर लोड टर्मिनल पे और बैटरी के वायर डायरेक्ट बैटरी टर्मिनल पे लाने। तो इस चार्जर में अलग अलग कुछ खासियतें हैं, जैसे लो वोल्टेज अलार्म जनरेट करना, आपकी बैटरी 1.9 वोल्ट से कम हो जाएगी तो अलार्म जनरेट करेगा। और इस चार्जर में और एक चीज़ें हैं, ये चार्जर इसका एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 24 वोल्ट चार्जर पे मैक्सिमम कितनी बैटरी लगा सकते हैं, लिखा हुआ था 12 14 16 है ना या 24। तो इसमें N+2 एक बटन है जो N+1 N+2 तीन पोजीशन के लिए होता है। तो मैक्सिमम N+2 मतलब जितने भी चार्जर है 60 वोल्ट का है तो 30 बैटरी 2 वोल्ट की लगा सकते हैं, N+2 32 हो गई, 24 वोल्ट का है तो 12+2 14 बैटरी। तो ये ध्यान रखिए, अगर ये क्वेश्चन इसमें से ही बना था जो कितना वोल्ट कितनी बैटरी मैक्सिमम हम ऑटो चार्जर में लगा सकते हैं। तो N+2 क्यों, क्योंकि दूर के सर्किट में हमने अगर 12 की जगह 13 बैटरी लगाई और ये बटन N पे रहा तो ये समझेगा मेरे पैरेलल में 12 बैटरी लगाई है, उसके सभी अलार्म वो जो भी बैटरी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 12 करके आएंगे तो वो सही समय पे सही नहीं आएगा। अगर 13 बैटरी लगी है तो उसको N+1 पे रखोगे तो चार्जर को पता चलेगा उसका जब सिस्टम है 13 बैटरी के हिसाब से बन जाएगा, और 14 बैटरी लगी है तो N+2 पे रखने से अब उसका सिस्टम 14 बैटरी के हिसाब से काम करेगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जब भी कभी हम ज़्यादा बैटरी इसके पैरेलल में लगाएं तो ये वाले स्विच को भी N+1 N+2 को भी सही पोजीशन में रखें। चार्जर की इंटरनल सर्किट है, कहीं कहीं एक क्वेश्चन आता है तो ये एक स्लाइड आपके लिए काम हो सकती है। रेंज ऑफ इन्वर्टर वोल्टेज कितने हैं, केबल क्या चाहिए, वोल्टेज DC केबल स्क्वायर MM, तो ये कुछ चीजें हो सकता है आपको काम लग जाए या डेट अपने मेंटेनेंस में भी। तो ये करंट नॉर्म जो मैं बताता उसको 25 से 100% के बीच में हम सेट कर सकते हैं, मिनिमम 25 उससे कम नहीं कर सकते, जो भी उसकी आउटपुट कैपेसिटी है तो मिनिमम 25% मैक्सिमम 100% तक वो करंट कंट्रोल नॉब को हम कर सकते हैं ऑटो चार्जर में। इसके इक्विपमेंट के कुछ बातें हैं, ये जो तो आपका जो खास एक्सेल काउंटर में जो यूज होने वाला DC-DC कन्वर्टर को भी ये नॉर्म्स लागू पड़ेंगे। ये हमारे रेक्टिफायर बैटरी चार्जर के लिए थे एक्सेल काउंटर में जब हमारे कन्वेंशनल सप्लाई यूज होता था उस टाइम, लेकिन यही नॉर्म्स अब DC-DC कन्वर्टर जो कि आपके IPS के अंदर एक्सेल काउंटर के लिए यूज होते हैं उसके लिए भी ये नॉर्म्स हैं। तो ध्यान रखिए
कि आपका RMS रिपल वैल्यू 10 मिली वोल्ट और पीक टू पीक नॉइस 50 मिली वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका भी क्वेश्चन बन सकता है। आपके IPS में दूसरे होते हैं इन्वर्टर्स, तो इन्वर्टर का एक फोटो आपके सामने है, क्या इसकी एफिशिएंसी 80% है। पहले ये इन्वर्टर भारी हुआ करते थे, अभी जो आपका पहला जो आपका IPS में पैनल है वो SMR CSU कंट्रोल सुपरवाइजर यूनिट जिसे बोलते हैं उसी में लगा रहता है। सेकंड जो पैनल है AC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, जिसमें ये इन्वर्टर CVT और हमारे सिग्नल ट्रांसफार्मर और ट्रैक ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। पहले वर्जन में ट्रांसफार्मर इसी के अंदर, यानी जो ट्रांसफार्मर था वो अंदर ही था, लेटेस्ट वर्जन में ट्रांसफार्मर अभी बाहर कर दिया गया है ताकि इन्वर्टर का सर्किट सिर्फ इसमें रहता है और खराब होने पे हम इजी इसको रिप्लेस कर दें। ध्यान रखिए इन्वर्टर आपका 110 से 60 वोल्ट AC बनाता है और ये 60 वोल्ट AC जो भार आपका ट्रांसफार्मर लगा है वहां जाके स्टेप अप होके आता है 230। तो एक जगह ही मोस्टली हमारे सिंगल सर्किट में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, लेकिन यहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जो बाहर जितने आपके इन्वर्टर होंगे उतने AC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में आपको पीछे की साइड ट्रांसफार्मर मिलेंगे और वहां से 230 आउट होके वापिस इन्वर्टर के थ्रू ही आपके इसके बाजू में ऑटो चेंज ओवर स्विचे रहती हैं अलग अलग, जिस तरह आपका ऑटो चेंज ओवर पैनल में 230 वोल्ट लोड पे जाता है सिलेक्टेड में जाता है, इसी तरह इन्वर्टर 1 इन्वर्टर 2 और CVT का वोल्टेज इसके बाजू में अलग तीन आपको अलग अलग छोटी छोटी डब्बियां जैसी पैनल मिलेगी, उसके थ्रू आपका 230 आउटपुट सिग्नल ट्रांसफार्मर के इनपुट में जाता है सिलेक्टेड। इन्वर्टर 1 का आउटपुट 230 है तो उससे 230 की वहां कोई रिले होगी वो पिकअप होके उसके फ्रंट कॉन्टैक्ट से लोड कनेक्ट होगा। इन्वर्टर 2 की रिले को पिकअप होने के लिए इन्वर्टर 1 की रिले ड्रॉप होना जरूरी है, उसके 230 से इन्वर्टर 2 की रिले पिकअप होगी, उसका पिकअप लोड से कनेक्टेड है और CVT में इन्वर्टर 1 और इन्वर्टर 2 की जो 230 की रिले पिकअप है उसका ड्रॉप या जो भी इसके स्टेटिस्टिक स्विच के थ्रू आपका 230 लोड ट्रांसफार्मर को कनेक्ट होता है। इसमें कभी कभी फेल्योर्स आते हैं, ट्रबल्स आती है, कभी इन्वर्टर 1 से इन्वर्टर 2 पे हमने चेंज किया है वापस इन्वर्टर 1 पे नहीं आता है या CVT से वापस इन्वर्टर 1 पे नहीं आता है और इस बार एक बार दोनों ट्रिप हो गए और किसी वजह से CVT में चला गया, वो कंटिन्यूस CVT पे बना रहता है और जब भी आपकी ट्रैक्शन ट्रिप होगा ऐसे सिग्नल सब ब्लैंक हो जाएंगे क्योंकि CVT में 230 इनपुट आपका बंद हो जाएगा। तो ये हमें क्वार्टरली चेक करते रहना है कि ये इन्वर्टर 1 से इन्वर्टर 2 और इन्वर्टर 2 से CVT में अगर नहीं होता है तो वहां पीछे की तरफ एक वाइट बटन जैसा लगा रहता है तो उसको आप प्रेस करेंगे तो ये रिसेट हो जाएगा, जो कमी है वो दूर होके वापस नॉर्मल हो सकती है। अगर कोई दूसरा फॉल्ट है तो नो डाउट रिपेयर लगेगा, लेकिन सिंपली अगर स्टकअप हो गया है एक आध बार के लिए तो वो पीछे की ओर वाइट एक स्विच रहती है, आप पीछे खोल के देखोगे तो उसके थ्रू आप इसको रिसेट कर सकते हो और फिर भी नहीं होता आपके ये फेल्यूर कभी भी आपके ESM को बुला करें कि हमें इसके पीछे एक रोटरी स्विच है वो नॉर्मली ऑटो मोड में रखनी है और जब भी कभी फेल्यूर होता है इन्वर्टर 2 या इन्वर्टर 2 या इन्वर्टर 3 पे कर देनी है। ये आपका सर्किट है, ये सैंपल सर्किट है, ये आपका इसका दूसरा सर्किट है और ये स्टेटिक स्विच जो रहती है जो मैं बात कर रहा था 1 2 3 और इस तरह का ये सर्किट रहता है जो ट्रांसफार्मर में कनेक्ट होता है सिग्नल ट्रांसफार्मर। और ये आपकी थर्ड DC-DC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, हाई फ्रीक्वेंसी पावर कन्वर्टर है इसका,
बराबर है, ये करंट शेयरिंग 10 to 100% शॉर्ट सर्किट विदाउट ऑटो रिकवरी, मल्टी लेवल आउटपुट, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो ये जब सब SMPS यानी जो अपना मैंने बोला ऑटो चार्जर से भी अभी SMR अपना अच्छा है, स्विच मोड रेक्टिफायर। एडवांटेज क्या है इसमें और इसमें चेंज क्या है? वहाँ सिंगल DC यानी जो भी 230 वोल्ट है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे डाल के ब्रिज रेक्टिफायर या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से उसे DC बनाया जाता है। जबकि SMR में जो 230 है उसको पहले प्लस मॉड्यूलेशन पल्स से हाई फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट DC बना के उसको कट करके हाई फ्रीक्वेंसी DC को ट्रांसफार्मर में डालते हैं। मतलब ये सप्लाई 1000 से 2000 फ्रीक्वेंसी का DC कट करते हैं ऑन ऑफ आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग के द्वारा और उसके ट्रांसफार्मर पे डाल के उसको स्टेप डाउन करके AC बना के वापिस DC बनाते। इसके कारण ट्रांसफार्मर की साइज छोटी हो जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसीलिए अपना SMR देखोगे जो 20 एम्पीयर का रेक्टिफायर है उसका 1/4 रहेगा। तो यहाँ DC-DC कन्वर्टर में अभी तो DC अवेलेबल ही है, उसको डायरेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी बनाया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से AC करके वापस DC बना के आउटपुट DC-DC कन्वर्टर में मिलता है। ये उसकी कुछ सर्किट है, हाई फ्रिक्वेंसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, MRI फिल्टर स्टेज, आउटपुट रेक्टिफायर, LC फिल्टर, आउटपुट ब्लॉकिंग, बराबर PWM स्विचिंग जिसको बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। यहां ध्यान रखिए SMR में हमें क्या ध्यान रखना है, जितने भी हॉट स्टैंड बाय में SMR है उसका एडजस्टमेंट इस तरह होना चाहिए कि वो शेयरिंग लोड जो करंट है वो प्लस और माइनस 2 एम्पियर की रेंज में रहना चाहिए। एक 10 कर रहा है, एक 6 कर रहा है तो गलत है। 3-6 कर रहे और एक 10 कर रहा है मतलब 10 एम्पियर वाला का आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा है, तो पोटेंशियोमीटर रहता है उससे आपको उसको एडजस्ट करना होता है, यानी जो भी आपके टेक्नीशियन है या उनको। और DC-DC कन्वर्टर में आउटपुट वोल्टेज जितने भी हॉट स्टैंड बाई पे होंगे प्लस और माइनस 0.5 वोल्ट में हमको मेंटेन करना है DC-DC कन्वर्टर में। इसमें ऐसा है कि जो एक्सटर्नल है और इंटरनल से उसका कोई लेना देना नहीं है। एक्सटर्नल के 3 मॉड्यूल है तो उन तीनों का वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज प्लस और माइनस 0.5 वोल्ट पे मेंटेन होना चाहिए, और इंटरनल है तो इंटरनल का 5-6 मॉड्यूल है तो वो भी प्लस और माइनस 0.5 वोल्ट में एडजस्ट होने चाहिए। और यहाँ एक और बात है, जैसे SMR को हम N+2 स्टैंड बाय मोड, उसमें N+1 हॉट स्टैंड बाय और +1 कोल्ड स्टैंड बाय मोड में रखते हैं, इसी तरह रिले रूम वाले इंटरनल DC-DC कन्वर्टर को भी N+2 में रखने हैं। तो कहीं कहीं इसी का भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि इतना रिले रूम का लोड तो कितने हम DC-DC कन्वर्टर को हॉट स्टैंड बाय मोड पर रखेंगे, तो N+2 के हिसाब से आपको आंसर करना चाहिए। एक और अपना मेन पावर सप्लाई इक्विपमेंट है FRVR, फेरो रेजिस्टेंट है वोल्टेज रेगुलेटर, जिसका सर्किट आपके सामने है। हो सकता है इसमें से भी ऑब्जेक्टिव बना ले, प्राइमरी किसका बना हुआ है तो माइल्ड स्टील की है इसकी बाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग इसकी सिलिकॉन स्टील की रहती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग माइल्ड स्टील की है और सेकेंडरी सिलिकॉन स्टील की है। इससे एडवांटेज क्या होता है, आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हो कि प्राइमरी वोल्टेज जब 160 होगा फ्लक्स डेवलप होगा वो सिलिकॉन स्टील में स्पीड ज़्यादा है, ज़्यादा फ्लक्स डेवलप हो जाता है स्पीडी, इसके कारण 230 वोल्ट पे पहुँच जाता है, तो इसे नी वोल्टेज बोला जाता है। यहाँ उसको लिखा, कभी कभी इसमें भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है नी वोल्टेज का मान क्या है, तो 160 वोल्ट, और आप देख रहे हो 160 से 270 वोल्ट है आपका प्राइमरी वोल्टेज जाएगा तो भी सेकेंडरी वोल्टेज 230 देगा। क्यों? कि यहाँ आपका एक सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उसका जो भी डिजाइन ऐसी होती है उसमें मैक्सिमम 230 वोल्ट ही फ्लक्स रहे, उससे ज़्यादा नहीं, और उसके ये 230 वोल्ट पे
इसके पैरेलल में हाई वोल्टेज के कैपेसिटर लगे हुए हैं 600 वोल्ट 50 माइक्रोफेरेडे वाले, चार रहते हैं ये, तो ये चार्ज हो जाएंगे। अगर बाय दी वे 50 वोल्ट 60 वोल्ट भी अगर इनपुट वोल्टेज डाउन हो जाएगा तो ये चार्ज कैपेसिटर सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स एडिंग करते हैं, जिसे ही बोला जाता है, इसके कारण वोल्टेज मेंटेन रहेंगे, बराबर है। तो इस और अगर वोल्टेज ज्यादा बढ़ जाते हैं इनपुट के तो मैग्नेटिक शंट के द्वारा लिंकेज हो जाएगा और उसको सेकेंडरी साइड पे इफेक्ट नहीं आएगा। इसी वजह से आपका 230 160 से 270 वोल्ट के बीच में हमें रेगुलेटेड 230 वोल्ट आउटपुट मिलता रहेगा। बस ये कोई भी इक्विपमेंट में मैं यही बोलता हूं, हमें जब लगाना है तो ध्यान रखना है फेज पे फेज, न्यूट्रल पे न्यूट्रल और प्रॉपर अर्थिंग हो। फेज या न्यूट्रल जानने के लिए मैं हमेशा बोलता हूं दो वायर सिंपल प्रैक्टिस है, अर्थ के साथ एसी वोल्ट पे मल्टीमीटर कर देना है, अर्थ के साथ अगर वोल्टेज 10 से कम आ रहा है तो न्यूट्रल है और 200 से ऊपर आ रहा है तो वायर फेज है। इतनी सिंपल सी चीज जान के, कभी कभी उल्टा होता है, हम फेज न्यूट्रल उल्टा भी लगाएंगे तो 230 वोल्ट का इक्विपमेंट चलेगा, लेकिन हो सकता है कि उसमें फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि न्यूट्रल साइड के सर्किट का इंसुलेशन बॉडी के साथ इतना अच्छा नहीं होता जितना फेज के साथ होता है। इसकी एफिशिएंसी के बारे में कुछ, आउटपुट वोल्टेज 230 प्लस और माइनस 1% मेंटेन करता है, लेकिन मेन है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ये बहुत डिपेंड करता है। अगर 1% फ्रीक्वेंसी का चेंज होगा प्लस और माइनस तो आउटपुट में 3% का इफेक्ट आता है, और इसीलिए आप देख रहे हो 50 हर्ट्ज प्लस और माइनस 2.5 हर्ट्ज, मतलब हो गया 5%, 50 हर्ट्ज का 2.5% 5 हर्ट्ज और उसका तीन गुना मतलब 15%। इसीलिए हमारे 230 के इक्विपमेंट आप देखोगे हमेशा प्लस और माइनस 15% के लिए डिजाइन रहते हैं। यहाँ इसका रीजन मिलता है कि क्यों प्लस और माइनस, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर में भी इतनी फ्रिक्वेंसी चेंज अलाउ है तो आउटपुट उतना चेंज होने की संभावना है। वही चीजें यहाँ लिखी है, अलग अलग पावर सप्लाई के हैं। हाँ, इसमें एक और मैं बोलूंगा, कहीं कहीं हम इसे मेनली इस FRVR को हमें हाई कैपेसिटी यूज नहीं करना है, क्योंकि मिनिमम इसको 50% लोड मिलेगा तभी इसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। इससे कम लोड पे ये हमिंग करेगा आपको और हीट पैदा करता है, और जहां टेम्परेचर राजस्थान गुजरात जैसे जगहों में जहां टेम्परेचर इस महीनों में ज्यादा रहता है उस टाइम अगर ये हाई कैपेसिटी का लगा रखा है, आपका सर्किट लोड कम है सिग्नलिंग साइड का, तो ये गर्मी पैदा करके इसके कैपेसिटर ज्यादातर फटते हैं और खराब होते हैं, और इसमें कोई खराबी मोस्टली आती नहीं है। आप दो के दो कैपेसिटर फटे हुए हैं, दूसरे दो के कैपेसिटर अच्छे वाले निकाल में इसमें लगा दोगे तो ये वापस काम करता हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए हाई कैपेसिटी का लगाने का कोई मतलब नहीं है, जितना मिनिमम इसको 50% लोड मिलना चाहिए। SMR का स्लाइड रह गया था, SMR आपके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, सर्किट है उसका IPS के अंदर दूसरी क्या क्या चीज है, MUIB टू प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन CSU एंड एक्सटर्नल सिग्नल, फंक्शन टू प्रोवाइड स्टेटस कंट्रोल LVDs, लो वोल्टेज आपका डिसकनेक्शन करंट एंड वोल्टेज एक्सटेंडेड पोटेंशियल फ्री कॉन्टेक्ट, बराबर, टू प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन CSU एंड इनपुट सिग्नल फंक्शन, टू मॉनिटर इनपुट वोल्टेज इन करंट इन CSU, टू इंडिकेट फेल्यूर ऑफ अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज। ये आपका IPS का डायग्राम है, अलग अलग सभी को पता है इसमें, बराबर है, किस तरह बताना है क्या, कोल्ड स्टैंड बाय कहाँ कहाँ है, तो कोल्ड स्टैंड बाय आपके SMR में प्लस DC-DC कन्वर्टर में
कोल्ड स्टैंड बाय होता है, इसीलिए वो दोनों एन प्लस टू स्टैंड बाय मोड कहलाता है। तो ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट 5 है क्लास बी सी डी लाइटिंग सर्ज अरेस्टर के बारे में है, जनवरी 2006 में आया था। इसके बाद भी कुछ आ चुका होगा मुझे इतना, मैं आप लोगों को पता है तो आप जरा किसी को बता सकते हैं कि लेटेस्ट आईपीएस का कुछ वर्जन पता हो किसी को तो सबको शेयरिंग कर सकते हैं यहाँ। तो क्लास बी एन सी टाइप कैसी रहती है वो यहाँ बताया हुआ है। ये इसका सर्किट रहता है, आप देख सकते हो कि आईपीएस में जो इनपुट फ्यूज होता है वो 63 एम्पियर का होता है। उसके बाद पहली जो एसपीडी होती है वो बी क्लास एसपीडी है, जो लाइन और न्यूट्रल और न्यूट्रल और अर्थ दोनों के बीच में लगती है। यहाँ जो लिखा है मोर देन 50 और 100 किलो एम्पियर और 10 to 350 माइक्रो सेकेंड, तो मेन जहाँ आपका हाई वोल्टेज से बचने के लिए अलग अलग चीज़ें हम फ्यूज भी पहले यूज करते थे, फिर एमसीडी आ गया, अब एसपीडी आ गया। तो फ्यूज और एमसीडी ये आपका मेटल जो गर्म होती है हीट पाती एक्सपांड होती है या मेल्टिंग होती है इस प्रिंसिपल पे काम करता है। उसमें टाइमिंग ज़्यादा लग जाता है हीट होना, हीट होने की वजह एक्सपांड होना या मेल्ट होना। और अगर सर्ज वोल्टेज कोई हाई वोल्टेज होता है, हाई करंट होता है, ऐसी इसकी कुछ भी माइक्रो सेकेंड की प्लस हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को खराब होने करने के लिए काफ़ी है। तो उससे फ्यूज या एमसीबी से हम प्रोटेक्शन नहीं ले पाते हैं, सर्ज वोल्टेज से नहीं पाते। इसके लिए एसपीडी लगाना पड़ता है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। इसका मेन फीचर है कि ये माइक्रो सेकंड में वो हाई करंट को अर्थ के तरफ डाइवर्ट करता है और आपके इक्विपमेंट को सुरक्षा प्रदान करता है। तो मेनली हमारा कंसर्न इस अर्थ के ऊपर या अर्थ के ऊपर मेन है। अर्थ मतलब मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके पास अच्छे से अच्छी कार है, हाई पावर की या बाइक है, लेकिन रास्ते खराब हैं तो वो हाई स्पीड में नहीं चल सकती। इसी तरह आपने ये क्लास बी टाइप एसपीडी अच्छी से अच्छी लगाई है लेकिन आपका अर्थ कनेक्शन राइस होल्डर है या वायर की जो भी डाया होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं है या अर्थ जहाँ लगा है उसका रेजिस्टेंस हाई है, तो फिर ये हाई करंट अर्थ में ना जाके आपके इक्विपमेंट में ही जाएगा और आपके इक्विपमेंट को बर्बाद करेगा। तो इसके लिए ये है कि अर्थ वायर जो भी एसपीडी बॉक्स में लगना है मिनिमम 16 square mm मल्टी स्टैंड कॉपर का होना चाहिए। ध्यान रखिए अर्थ वायर 16 square mm कॉपर मल्टी स्टैंड का मिनिमम। और दूसरा इसमें यह भी बोला गया है कि इस वायर की लंबाई मैक्सिमम 50 cm रहे तो ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब अपनी जो अर्थ होती है बाहर, हम आजकल जब बहुत सारे अर्थ को लगा के उसके द्वारा जो पहली हमारी अर्थ बस बार होती है जिसे हम MEEB मेन इक्विपोटेंशियल अर्थ बस बार बोलते हैं और उसके द्वारा अलग अलग रूम में या दूसरी जगह हमें अर्थ एक्सपांड करना है तो उसे SEEB सब इक्विपोटेंशियल अर्थ बस बार बोलते हैं, वो कनेक्टेड रहती है। तो ये सब इक्विपोटेंशियल अर्थ बस बार इस तरह इसके पास ले जानी चाहिए ताकि ये अर्थ वायर 50 cm से लंबा ना बने तो ज़्यादा इफेक्टिव आपका अर्थ रहेगा, ऐसा कहा गया है। बराबर इसको मेंटेन करना चाहिए। इसका कनेक्शन ये आपको बताए हुए हैं, पीछे भी मैंने थोड़ा
कभी कभी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, एलवीडी हो जाती है, तो ये टर्मिनल को शॉर्ट करके आप उससे बच सकते हैं, बड़ा फेल्योर आता है। आपका सीएसयू पैनल जिसमें अलग अलग तो ये जो एसपीडी है उसके बारे में एक स्लाइड ये भी है आपको, स्पार्क गैप टैग होती है, वेरिस्टर और डायोड टैग, तीन प्रकार के सर से बचने के लिए। हाई परफॉर्मेंस स्पार्क गैप है, वेरी हाई डिस्चार्ज कैपेसिटी जो बी टाइप की होती है एसपीडी और स्पार्क गैप टाइप की होती है, इज वेरी दे आर यूज इन लाइटिंग अरेस्टर, वेरिस्टर यूज इन सर्ज अरेस्टर एंड फायर प्रोटेक्शन डिवाइस अनलाइक अदर डिवाइस। तो जो डी टाइप या सी टाइप भी होती है वो इन दोनों में आ जाती है, डायोड टाइप जो होती है मोस्टली डी टाइप होती है, जो अपने मोस्टली एलईडी लगती है उसके पैरेलल में जो लगाते हैं हम, या अपने टीएफ या के फ्यूज में जो लगाते हैं वो मोस्टली अलग अलग प्रकार के डायोड टाइप की होती है। ये देखिए आपको बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप 1 to 2, यानी आपका कौन सा जोन है उसके हिसाब से लगाई जाती है, वही चीजें हैं आपका स्लाइड में लिखा हुआ है कहाँ कहाँ लगनी है क्या है इसका। ये चीजें कहीं आपको मिलेगा लिखा भी रहता है आपके एसपीडी पे, U0 लिखा रहेगा तो कितने वोल्ट पे काम करने के लिए बनी है। मैक्सिमम कंटिन्यूस वोल्टेज को UC बोलेंगे, 255 कंटिन्यूस वोल्टेज उस पर चलता रहेगा, पार होता रहेगा, भले 230 के लिए बने। लाइटिंग इम्पल्स करंट तो 25 किलो एम्पियर है, IMP लिखा रहेगा, मैक्सिमम करंट कितना है 25 किलो एम्पियर, कब 10 से 350 मिली सेकंड में इतना है तो वो झेल सकती है, इससे ज़्यादा समय के लिए नहीं। मतलब कभी कभी हम सोचते हैं कि एसपीडी लगी है फिर भी हमारा इक्विपमेंट क्यों उड़ गया, रीजन ये है अगर कंटिन्यूस बिजली एक के बाद एक होती रही और उसका टाइमिंग बढ़ गया तो आपका एसपीडी का स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। कुछ फेलियर था, केबल कट का हमारे यहाँ बहुत तकलीफ है, MRVC है, DFCCL है, फिर कैश बैरियर है, PWI, यहाँ यही तकलीफ है ज्यादा है। तो ये मैं बता रहा था, ये इस तरह जो आपके एसपीडी पे कुछ रिस्पॉन्स टाइम TR, ये मेन चीज है, आप देख सकते हो 100 नैनो सेकंड, 10^-9 नैनो मतलब, तो इस समय में वो रिस्पॉन्ड कर जाएगी और आपका हैवी करंट को ये लिखा हुआ इससे ज़्यादा वोल्टेज है जो KVA 3 KVA है, शॉर्ट सर्किट स्टैंड एंड फॉलो अप 3 KVA खाली 3 किलो एम्पियर 100 एम्पियर के लिए, मतलब आप सोच सकते हो टेम्पररी ओवर वोल्टेज 400 वोल्ट 5 सेकंड के तक रह सकता है, अगर 400 वोल्ट 5 सेकंड से ज़्यादा रहा तो भी वो अर्थ की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा आपके, या 1200 वोल्ट आता है तो 200 मिली सेकंड से, आप देख सकते हो ये इसका मेन, यहाँ ये टाइमिंग से अपने पता चलता है कि किस तरह की होनी चाहिए, जो कि हम यहाँ कभी भी एसपीडी को टेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। नॉर्मली मतलब एसपीडी आइसोलेशन देता है, मतलब आपका जो दो टर्मिनल है जहाँ लगना है वो उसकी कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए, वही हमें चेक कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्लाइडें हैं जो भी बी टी सी टाइप सभी की है, ये आपकी बी टाइप एसपीडी का है, इसके बाद ये सी टाइप एसपीडी का है, और ये डी टाइप एसपीडी। अभी इंडिकेशन मैंडेटरी कर दिए हैं सब में, सही है या गलत है न्यूज में,
दिखने में कैसी दिखती है आपकी बी टाइप, सी टाइप, कुछ क्रॉप सेक्शन एरिया वाइज इक्विवेलेंट फ्लेक्सिबल वायर आपको आजकल यूज हो रहे हैं अपने वहां सब जगह, तो उसका एक स्लाइड मेरे पास था तो जो आपके इंफॉर्मेशन के लिए, ये भी कहीं एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन बन जाए इसका। डीजल जनरेटर भी अपना पावर इक्विपमेंट का एक भाग है, ट्रांसफॉर्मर का रह गया, ट्रांसफॉर्मर IRS AC 72 सिस्टम 2 के साथ नया भी होगा, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी है कोर मैग्नेटिक पदार्थ का बना है, समता कैसे बराबर है, तो ये जब अपने को एफिशिएंसी या कैपेसिटी जो है हमेशा उससे लोड डिसाइड होता है, तो जो भी है आपका लोड को एफिशिएंसी से हमेशा डिवाइड करिए, 80% 90% हो सकती है, 100% किसी की नहीं है, तो इस तरह हमारा एसी साइड डीसी साइड का लोड आपको पता होगा इटरेशन का कैसे गिनते, उतना तो टाइम यहाँ मिलेगा नहीं बताने का। डीजल जनरेटर की बात कर ले थोड़ा, आपका टू स्ट्रोक या फोर स्ट्रोक हो सकता है, फ्यूल का इंटेक, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट करना चाहिए इसको, ये आपका। और अल्टरनेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में स्टार्ट करता है, उसमें रोटर स्टेटर और एक्साइटर रहता है बराबर है, ये मिलके आपका डीजल जनरेटर बनता है। इसके कुछ मेन एडवांटेज है, सबसे पहले फ्यूल का कम रोड पर कम कर, सस्ता फ्यूल, सुरक्षित, कॉम्पैक्ट होता है, तेजी से स्टार्ट, जल्दी स्टार्ट हो जाता है, लोड के करीब लगा सकते हैं हम, ये सब चीजें हैं। कुछ मेंटेनेंस का दिया हुआ है, थोड़ा फ्यूज किस तरह के होते हैं आपके, और फ्यूज के साथ अभी जो चल रहा है पावर सप्लाई अर्थ लीकेज डिटेक्टर, ये भी एक जरूरी इक्विपमेंट है पावर सप्लाई में, बहुत अच्छा इक्विपमेंट है हमारा। इसके जगह पहले हम केबल टेस्टिंग या मेजरिंग करते थे, उसमें भी हम कमी करते हैं, दो ही मोस्टली रीडिंग लेते हैं, कोर टू अर्थ या कोर टू कोर, लूप रेजिस्टेंस कोर टू कोर कंटिन्यूटी नहीं चेक करते हैं, और इसी वजह से हमारे सर्किट फेल होते हैं या दूर के मोटर पॉइंट में वोल्टेज ड्रॉप होना या तकलीफ आना। तो और ये चीज ऐसी है कि जब हम चेक कर रहे हैं उसी का बताएगा, उसके बाद का कुछ नहीं बताने वाला है, जबकि अर्थ लीकेज 24 आवर्स 365 डेज, आपका पावर सप्लाई जहां जहां जा रहा है उसका इंसुलेशन आपका वोल्टेज लीकेज के हिसाब से बताते रहता है, अक्रॉस अर्थ कितना डाउन हो रहा है, अलग अलग मॉड्यूल्स रहते हैं इसमें चार, 230 वोल्ट, 110 वोल्ट, 60 वोल्ट या 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, इस तरह के। इसमें आप देख सकते हो किसकी एक यहाँ पोटेंशियोमीटर रहता है, वो पोटेंशियोमीटर आपका 2K से 1 मेगा ओम तक रेफरेंस वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है, इसका भी कोई क्वेश्चन बनता है, अर्थ लीकेज डे मैक्सिमम कितना है, 2K मिनिमम, मैक्सिमम 1 मेगा ओम रेफरेंस वैल्यू तक हम इसको, और ये लीकेज चेक करता है, लीकेज वैल्यू चेक, ये इंसुलेशन नहीं चेक करता है, ध्यान रखिए इंसुलेशन एक अलग है, लीकेज मतलब क्या है, आपका कोई भी पावर सप्लाई उसका पॉजिटिव नेगेटिव या फेज न्यूट्रल अक्रॉस अर्थ इंसुलेशन या रेजिस्टेंस प्लस
आपका जो इक्विपमेंट है, सर्किट है, उसका एक्रॉस अर्थ रेजिस्टेंस प्लस अगर बैटरी लगी है तो बैटरी का आउटपुट टर्मिनल अक्रॉस अर्थ इंसुलेशन या रेजिस्टेंस प्लस जितने वायर आपके केबल पावर सप्लाई जहां जहां ले जा रहे हैं उस केबल या उस वायर का पॉजिटिव नेगेटिव का एक्रॉस अर्थ इंसुलेशन ये पैरेलल में आ जाते हैं। और हमेशा पता है आपको पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस आता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए लीकेज रेजिस्टेंस हमेशा इंसुलेशन से कम रहेगा। जितनी सर्किट बढ़ेगी उतना ये कम होता चला जाएगा। तो आप देखोगे आपके 1BX110 जो ट्रैक सर्किट में यूज होता है उसका ये लीकेज रेजिस्टेंस वैल्यू कम रहेगा। बहुत सारे जिसका बड़ा यार्ड है, बहुत सारे चार्जर है, क्योंकि हमारे 110 चार्जर की सर्किट इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं होती है, मिट्टी मिट्टी जाती है तो लो वैल्यू इंसुलेशन होता रहता है। तो इसको हम अगर उसका टोटल आपका जो भी 110 ट्रैक का यूज हो रहा है उसका लीकेज रेजिस्टेंस अगर आपका 600 या 500 किलो ओम में और आपका ये रेफरेंस वैल्यू अगर 1 मेगा ओम पे पड़ा है तो कंटिन्यूस वो क्वालिटी बताएगा और रिसेट होगा ही नहीं। तो सबसे पहले उस मॉड्यूल की हमें वैल्यू उससे कम करनी चाहिए। उसके लिए यहाँ सीधा सा इस बटन को दबा के जैसे आपका ये 3 नंबर मॉड्यूल 1BX में है जो कि ट्रैक चार्जर के लिए है, सीधा सा इस बटन को दबा के पोटेंशियोमीटर खोल के उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है जो मैक्सिमम क्लॉकवाइज पे पड़ा होगा। जैसे ही उसकी वैल्यू 600 किलो ओम से कम होगी वो रिसेट हो जाएगा। वापिस उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, जैसे उस आपका जो भी रेफरेंस वैल्यू से जरा सा बढ़ेगा तो वापिस आपको अलार्म जनरेट हो जाएगा। वापिस इस रेड बटन को दबा के आप धीरे धीरे सेट कर दीजिए तो उतने वैल्यू पे वो सेट हो जाएगा। फर्दर अगर कोई भी आपका कोर या इक्विपमेंट अर्थ होता है तो ये अलार्म जनरेट करेगा जो कि अपने काम आ जाएगा कि कौन सा हुआ। इसको भी लोग ध्यान से देखते नहीं है, सीधा रिसेट कर देते हैं। हम कभी ये नहीं बोलते हमारे मेंटेनर को कि इसके जो काउंटर है हर एक रिसेट में बढ़ता है उसको एंट्री करें, इसके चार्ज बुक में कब बढ़ा क्यों बढ़ा उसको चेक करें डेटा लॉगर से। बहुत सिंपल है, अगर कोई आपका ऐसा रूट है जिसका केबल प्रॉपर नहीं है या कोई सन्ट सिग्नल जो यूज होता है उसका ऑफ आस्पेक्ट का केबल सही नहीं है, जब वो सन्ट या रूट देंगे तब उसका वो या आपका सिग्नल का 1BX का ये अलार्म आ जाएगा और वो टाइमिंग आपका डेटा लॉगर में मिलेगा आपको कि रात को 21 बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे हुआ है। आप सुबह आके भले उसको रिसेट करो लेकिन चेक कर लो वो कितने बजे हुआ था और उस टाइम के एक आध मिनट पहले से एक मिनट बाद तक का उसके सभी ECR ले लो तो आपको दिख जाएगा कि भाई ये सन का हो HECR ये जो सन नहीं देते वो दिया था या ये रूट कभी नहीं देते वो दिया था। बस उस रूट के 2 या 4 वायर आप टेस्ट करोगे तो आपको लो इंसुलेशन मिल जाएंगे और फ्यूचर में वो वायर ज़्यादा अर्थ होकर फ्यूज उड़ाने वाले उस फेल्यूर से आप बच जाएंगे। या आपका 24 वोल्ट एक्सटर्नल नीचे जा रहा है तो उसको भी ढूंढ सकते इस तरह भाई कब आया था, कोई ट्रैक फेल है या कोई पॉइंट चला रिवर्स में साइड पे या कोई ऐसा KLCR का कंट्रोल दिया तब ये एक्सटर्नल 24 वोल्ट या 60 वोल्ट लो वैल्यू हुआ तो उस टाइम के आजू बाजू डेटा लॉगर में कौन से फंक्शन ऑपरेट हुए उस सप्लाई से उसका आपको नॉलेज है। आप थोड़ा चेक कर लोगे तो उस फंक्शन का जो भी केबल आउटपुट है वो लो इंसुलेशन या टर्मिनल या कुछ कमी है आप उसको ढूंढ सकते हो और फ्यूचर में आने वाले बड़े फेल्योर से बच सकते हो। तो बहुत अच्छा इक्विपमेंट है, 24 आवर्स 365 डेज हमारी जहाँ जहाँ पावर सप्लाई जाती है उसको ये चेक कर सकता है, अच्छा है बहुत ही। और आपको किसी को प्रॉपर किसी वैल्यू पे सेट करना है तो यहाँ एक शंट है इसके द्वारा यहाँ 2 रीडिंग है रेड में और वाइट में। जरा मैं इसको और बड़ा करता हूँ आपके दिखने के लिए, बराबर। तो यहाँ वाला जो ये संट इसको खोल के आप यहाँ जितना लीकेज पे करना है उसको करना है। उसके बाद ये जो स्विच है इसमें 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 ये वाला है, उसके बाद इसी को आप इंसुलेशन टेस्टर की तरह यूज कर सकते हो ये टर्मिनल के द्वारा। इस टर्मिनल को अर्थ को कनेक्ट करना है और ये 2 वायर के द्वारा आप 2 कंडक्टर का एक साथ इंसुलेशन एक्रॉस अर्थ चेक कर सकते हो।
अगर प्रॉपर आता है तो आगे बढ़िए, अगर कम आता है दोनों में से किसी एक का भी कम है तो कम वैल्यू बताएगा उस टाइप, एक एक को चेक करके किसी कोर का खराब है, इस तरह आप जल्दी फास्ट मेगर से भी इस इक्विपमेंट के द्वारा फास्ट केबल टेस्टिंग कर सकते हैं और यहाँ वैल्यू भी बताएगा, बराबर है। और नेक्स्ट जो छठा है, अगर नीचे के इस वाले का आपको लेना है, ये एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार, तो ये ऊपर वाले को आपको नेक्स्ट में डालना पड़ेगा और फिर ये नीचे वाला स्विच जो नंबर पे है एक दो तीन चार पे करना पड़ेगा और यहाँ से आप लीकेज रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट कर सकते हैं, जिसको जिस मॉड्यूल को जिस लीकेज रेजिस्टेंस पे आपको पहले से सेट करके रखना है। मुझे छोटा अलार्म जनरेट नहीं चाहिए, मैं उसको 500 तक, मेरा सर्किट 500 किलो ओम तक अच्छा चलेगा तो मैं 500 किलो ओम तक करके रख सकता हूँ, ताकि उससे कम आता है तो फिर मुझे अलर्ट हो जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप 1 MHz पे रखो, कुछ भी अगर लो वैल्यू हो रहा है तो हमें नोटिस मिले, हम पहले से उसे चेक कर लें। तो इस तरह आप इस अर्थ लीकेज रेट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन सेट करके कर सकते हो। इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है, दो इसमें अर्थ रहते E1 E2, ये भी कहीं पूछ सकते हैं। ये दोनों अर्थ के बीच का अगर रेजिस्टेंस 10 ओम से ज़्यादा हो गया तो इसके सभी मॉड्यूल फॉल्ट में चले जाएंगे। इस तरह इसका ये आपका एक्स्ट्रा आउटपुट एक मिल रहा है, दो अर्थ को भी चेक करता रहता है, इसके कनेक्टेड जो दो अर्थ हैं उसको भी ये चेक कर रहा है इनडायरेक्टली कि उसका वैल्यू 10 ओम से कम है। इसके सभी इवन इवन करते हैं और इसमें जो भी केबल लाए आप फ्यूज के थ्रू लाना है। आपका कुछ मेंटेनेंस पावर सप्लाई का PS1 PS2, इसके भी कुछ क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, अभी लेटेस्ट देख लेना जो भी है। आप अर्थिंग मेंटेनेंस पी अर्थिंग उसके बारे में कुछ स्लाइडें दी हुई हैं आपको, तो ये जो पहले था इस तरह जंग लगता था, ये लगता था, उसके जगह मेंटेनेंस फ्री अर्थ है लेकिन उसकी भी कमियां हैं कुछ। तो जो आपका इक्विपमेंट का अर्थ बस पास है वो 6 mm मोटा, 50 mm विड्थ वाला होना चाहिए, लंबाई आपका इसके हिसाब से रख सकते हैं लेंथ, लेकिन विड्थ और थिकनेस पेरिमीटर अर्थ किस तरह लगाना है, क्या लगाना है, हमेशा ध्यान रखिए अर्थ की रोड की जितनी लंबाई है दूसरा अर्थ उसके 2 गुना दूर लगना चाहिए। ये अर्थिंग कैसे करोगे, इसमें अलग अलग आपका नीचे केबल की वो चौड़ाई लंबाई क्या है वो भी लिखी हुई है, कैसा पावर केबल लगाना है, क्या लगाना है, यहाँ सब इस आपके कभी वर्किंग करो तो काम में आ जाए ये स्लाइड, उसके बारे में यहाँ है सब। ठीक है, मेरा अभी कुछ फेल्योर भी चल रहा है, अभी अभी दिख रही है, अब आई है पर दिख नहीं रही अभी वो। ठीक है कि बड़ा करूं, थोड़ा बड़ा करो उस। थोड़ा और बड़ा करूं, हाँ थोड़ा और अलग अलग ये है, अगर 50 एम्पियर है तो 15 kVA, थोड़ा ध्यान रख लीजिए।
The size of cable from earth bus bar to equipment shall be minimum dash. न्यू गाइडलाइन की तरह 10 square mm फ्लेक्सिबल कॉपर केबल लगाना है आपको। एसपीडी मैंने बोला ना, एसपीडी के अंदर 16 square mm। थोड़ा सा और बढ़ाओ, पढ़ नहीं पा रहे। साइज ऑफ केबल फ्रॉम अर्थ बस बार टू एसपीडी सन प्रोटेक्शन डिवाइस जो आईपीएस का है उसमें 16 square mm। आईपीएस का अर्थ आईपीएस के चेकलिस्ट में भले 2 ohm लिखा है, लेटेस्ट गाइडलाइन में 1 ohm है। आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है तो उसका रेजिस्टेंस अर्थ का रेजिस्टेंस लेस देन 1 ohm। वोल्टेज ड्रॉप इन पावर केबल फ्रॉम 80 to पावर पैनल शैल बी लेस देन, तो ये आपके आईपीएस की चेक लिस्ट में लिखा हुआ है कि फुल लोड से नो लोड से फुल लोड पे आपका जो एसपीडी बॉक्स में वोल्टेज आ रहा है केबल से वो कितना होना चाहिए। नो लोड वोल्टेज जितना है उससे फुल लोड में 30 volt से कम नहीं होना चाहिए। If the relay external load is station 16 ampere, then the number of DC-DC converter module for 5 ampere required for relay external circuit. यहाँ लिखा है external, आप देख रहे हो ना, तो 5 ampere के 16 ampere के लिए 4 plus 1 5। अगर external के लिए या internal circuit लिखा होता तो ये 5 की जगह 6 जवाब हो जाता है। यही ध्यान रखना है, छोटा सा अगर चेंज कर दी लिया कि रिले इंटरनल सर्किट लिखा होता तो इसका आंसर 5 की जगह 6 हो जाता। यहां देख लीजिए वही है इंटरनल लोड ना, अब आप देख लीजिए कि 4 plus 2 कितना हो गया 6, वही मैं जो ऊपर बात बता रहा था। और पॉइंट ऑपरेशन डीसी जनरेटर टेकन थ्रू कहां से लेते हैं, तो अपने एसएमआर पैनल में पीछे की तरफ ये 20 एम्पियर का फ्यूज रहता है उससे लेते हैं। लेकिन इसके अंदर भी कहीं कहीं तकलीफ आई हुई है, जहां पैरेलल पॉइंट ऑपरेशन हो रहे हैं, अगर ज्यादा पॉइंट ऑपरेशन हो रहे हैं तो आपको इसको 30 एम्पियर कर लेना चाहिए। ये प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं, वहां तो जो सर्किट जो इनका आईपीएस की ड्रॉइंग है उसमें 20 एम्पियर का ही है। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ सीवीटी मॉड्यूल्स, तो सीवीटी मतलब अपना वोल्टेज रेगुलेटर 230 volt। यहाँ लोग कहेंगे 110 volt या ये कर देते हैं, सीवीटी बोलो, एवीआर बोलो या एफआरवीआर बोलो, ये सब एक ही चीज है। फेरो रेजिस्टर वोल्टेज रेगुलेटर, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर या कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, ये तीनों एक ही चीज है। सप्लाई फॉर ट्रैक सर्किट इन आईपीएस टेकन फ्रॉम, तो सप्लाई ट्रैक सर्किट के लिए कहाँ से ले रहे हैं हम आईपीएस में, इन्वर्टर चार्जर एसएमआर या ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ऑप्शन में ये भी हो सकता है सीवीटी सिग्नल सीवीटी ट्रैक, तो फिर सीवीटी ट्रैक आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मर की ना लिखा हो, अगर सीवीटी सिग्नल सीवीटी ट्रैक है तो आपका ट्रैक से आता है या सिग्नल का है तो सीवीटी सिग्नल से आता है। SMR trips when temperature raised beyond, तो उसका जो कैपेसिटी है जो 70 डिग्री लिखा हुआ है वहां तक काम करेगा। CSU मॉड्यूल इन प्रोवाइडेड इन डैश मॉड्यूल, CSU कहां, तो आपका मैंने स्विच मोड प्राइस जो अपना पहला पैनल है आईपीएस का उसमें ऊपर ये CSU कंट्रोल कम सुपरवाइजर यूनिट जिसे बोला जाता है CSU फुल फॉर्म। ऑटोमेटिक चेंज ओवर बिटवीन इन्वर्टर एंड सीवीटी टेक्स प्लेस इन डैश मिलीसेकंड, तो ये अमेंडमेंट 4 है आईपीएस का, जिसके अंदर पहले अपने ये ज्यादा टाइम 500 से 600 मिलीसेकंड लिख रहा था, इसमें अपनी ईसीआर ड्रॉप होके आउटसाइड रेड एस्पेक्ट आ सकता था,
जब जब ये इन्वर्टर चेंज हो या इन्वर्टर टू सीवीटी चेंज होने में ज़्यादा होता था टाइमिंग, और उस टाइम अपनी ईसीआर ड्रॉप होने पे सिग्नल एस्पेक्ट में बोबिंग होता था या फ्लैशिंग चेंज होता था, उसको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया है। 60 मिलीसेकंड में होना चाहिए, और जब हम इन्वर्टर का क्वार्टरली चेंज करते तब हमें डेटा लॉगर में भी देखना चाहिए कोई ईसीआर ड्रॉप तो नहीं आ रही है। अगर ईसीआर ड्रॉप आ रही है तो ये सही टाइमिंग, इतना 60 या डेटा लॉगर में टाइमिंग 60 मिलीसेकंड का कुछ चेंज हो, ब्लैंक आना चाहिए, वैसा डाल के रखे कहीं, तो बात अलग है, ये चेक हो सकता है, बाकी आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ लोड ऑफ एफटीसी कनेक्टिव डेस्क मॉड्यूल ऑफ आईपीएस एसएमआर इन्वर्टर सीवीटी या नो मॉड्यूल्स, कहीं कहीं इन्वर्टर दिए हुए हैं लेकिन नॉर्मली सीवीटी एफटीसी का डायरेक्ट लोड लेते हैं हम, तो इसके लिए नो मॉड्यूल्स इसका आंसर है। एसी इनपुट वोल्टेज रेंज ऑफ आईपीएस 150 to 270, नो डाउट आप डिजाइन करके इससे कम वोल्टेज के भी या इससे ज़्यादा रेंज वाले भी मांग सकते हो, लेकिन नॉर्मल जो रेंज है वो यही रहेगी। तो एन प्लस टू रिले एक्सटर्नल रिले इंटरनल वही ऊपर के कोई, या इसमें आप एसएमआर लिख दिया तो एसएमआर भी आ जाएगा, अगर रिले इंटरनल ना देखे एसएमआर तो एसएमआर में भी आ जाएगा। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज बैटरी स्टार्ट डीजी, हाँ तो ये मेरा छूट गया था थोड़ा, आपके जो एसएम स्टेटस मॉनिटरिंग पैनल, आप उसको कहीं कहीं स्टेशन मास्टर पैनल भी बोल देते हैं गलती से, सही में है वो स्टेटस मॉनिटरिंग पैनल, उसमें अलग अलग अलार्म जनरेट होते हैं। तो सबसे पहले आता है कॉल एसएनटी, कॉल एसएनटी का मतलब है कोई भी आपका एसएमआर इन्वर्टर या 230 चला जाए या डीसी डीसी कन्वर्टर फेल हो जाए तो कॉल एसएनटी आता है। उसके बाद है आपका 50% डीओडी का अलार्म, जिसमें इसके साथ मैसेज है स्टार्ट जनरेटर। उसके बाद है आपका 60% पे डीओडी पे अलार्म इमरजेंसी स्टार्ट जनरेटर, और थर्ड है 70% डीओडी पे अलार्म आपके अब सिग्नल ब्लैंक होने वाले। ध्यान रखिए 70% डीओडी जो 101 या 100 वोल्टेज के आसपास होता है उसमें आपके इन्वर्टर बंद नहीं होते, इन्वर्टर की रेंज या अपना जो आईपीएस में 100 वोल्ट के नीचे सही में वो 98 to 135 वोल्ट के लिए बने हुए हैं, मिनिमम 98 वोल्ट मैक्सिमम 135 वोल्ट। इसीलिए हम बोलते हैं कि एसएमआर का आउटपुट 130 वोल्ट से ज़्यादा ना जाए, उसका ध्यान रखना है। 135 तक तो आपका इन्हें तो ट्रिप मार जाएगा, ट्रिप मारेगा तो फिर आपके सिग्नल बैंक होने की संभावना, अगर सीवीटी नीचे लाइट नहीं है तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि एसएमआर का आउटपुट 130 वोल्ट से भी ना ज़्यादा जाए। 135 तक चलना है लेकिन हमें थोड़ा तो मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। तो 98 से 135 वोल्ट इन्वर्टर की इनपुट रेंज रहती है डीसी वोल्टेज की, तो 70% डीओडी जो है वो आपके सिग्नल ब्लैंक होने की नोटिस है, और 90% डीओजी पे आपके एलवीडी लो वोल्टेज डिसकनेक्शन जो बताया वो हो जाएगा, पीछे जो रिले लगी है वो ड्रॉप हो जाएगी और आपका पूरा सर्किट जो भी है डीसी डीसी कन्वर्टर भी बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्या टेलीफोन वाले डीसी डीसी कन्वर्टर। तो ये टेलीफोन वाले डीसी डीसी कन्वर्टर को आपके एसएमआर से भी 110 का एक अलग वायर जाता है, इसलिए वो बंद नहीं होंगे और कम्युनिकेशन चालू रहेगा। ध्यान रखिए ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि 90% डीओडी के बाद कौन सा इक्विपमेंट है चालू रहता है, अगर टेलीफोन के डीसी डीसी कन्वर्टर लिखा है तो वो आपको टिक करना है। इफ द लोड इज 38 के बैकअप टाइम 8 आवर्स एंड परमिट डीओडी 70%, तो उसके हिसाब से आप जो मैंने ऊपर एक दिया था लोड मल्टीप्लाइड बाय आपका बैकअप टाइम डिवाइड बाय डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज डीओडी, उसके हिसाब से आपको गिन के ये इसका आंसर बनाना पड़ेगा। यहाँ तो 400 एम्पियर है।
बैटरी सप्लाई ऑफ इन्वर्टर आईपीएस सेल भी डिसकनेक्टेड है डेट डीओडी, तो यहाँ 70% इन्वर्टर डीसी-डीसी कन्वर्टर लिखा होता तो 90% हो जाता है, या इमरजेंसी स्टार्ट जनरेटर कितने पे होता है तो 60% पे, और नॉर्मल स्टार्ट जनरेटर तो, और स्टॉप जनरेटर कब आता है, जब ग्रीन लाइट चालू हो जाती है। कब हो जाती है ग्रीन लाइट चालू? आपकी बैटरी 50% से ज्यादा चार्ज हो गई है तो आपका स्टॉप जनरेटर वाला ग्रीन लाइट चालू होता है। डैश लोड इज नॉट कॉन्फिगर्ड इन आईपीएस, तो ऊपर एक था ना एफटीसी का नहीं होता है कोई मॉड्यूल, तो यहाँ एफटीसी, क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के वो है, किसका लोड आईपीएस में नहीं गिना जाएगा तो एफटीसी का। टाइप ऑफ वॉल सर प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड इन मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, बराबर है, टाइप थ्री। सिग्नलिंग स्टो 800 वी है तो रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ इन्वर्टर सेल भी, तो उसके मैक्सिमम उसके बाद का जो है 2 kVA है तो 2 kVA पे जाएंगे। केवीए वीए मतलब, या तो केडब्ल्यू लिखना चाहिए था इसमें, केवीए ना लिखते हुए या केडब्ल्यू लिखना चाहिए ज्यादा इसको थोड़ा, वहां डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू है आपको पता ही है। इन द आईपीएस सिस्टम व्हेन बोथ द इन्वर्टर्स फेल द लोड शिफ्टेड टू सीवीटी सिग्नल लिखना चाहिए, या भले सीवीटी मॉड्यूल लेकिन और इसको वो करना चाहिए तो सीवीटी सिग्नल सीवीटी ट्रैक, या सीवीटी मॉड्यूल लिखा है ठीक है। तो यहाँ इतने कुछ क्वेश्चन भी थे, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी टाइमिंग भी हो रहा है, मेरा एक फेल्योर चल रहा है तो मुझे वहाँ भी होगा, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो बताओ, ये सब चीज़ें मैं आपको उनको दे दूंगा, आप उसको सेव कर लिए होंगे पूरा, इसमें व्हाट्सएप पे, हाँ व्हाट्सएप पे डाल देंगे आपका, ये डलवा दीजिएगा आप, राइट ठीक है। तो मुझे सुनने के लिए शांति से सबका धन्यवाद और सबको बेस्ट ऑफ लक आपके जो फ्यूचर में, इसके लिए मैं कुछ चीज़ें और बोलूँगा, मैं जो पास हुआ उसका रीजन था हमारा टीम वर्क, तो आप भी टीम वर्क बनाइए, रात को 4-5 दो सिग्नल वाले दो ट्रैक ऐसे टेलीकॉम वाले अच्छे मिलके इंटरेस्टेड, शाम को रात को कुछ गूगल शीट पे ये पेपर वेपर शेयर करिए, थोड़ा हंसी मजाक करिए, अकेले नहीं पढ़ा जाता है, मिलके पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जो भी है आपके जहाँ भी पेपर निकले हुए हैं उस पेपर को, या कोई भी जर्नल आएगा तो जो भी उसको थोड़ा शेयर करके पढ़ेंगे तो थोड़ा पढ़ा जाएगा, वो याद रहेगा आपको। तो हमारे में नंद किशोर सर थे जो हम सबको ये नैया पार कराने वाले, मैं बोलता हूँ सचिन सर, राणा सर और मैं, हम चारों की टीम थी, इस वजह से हम चारों आउटस्टैंडिंग आए थे, रीजन ये था। तो मैं भी चाहूँगा कि ये चीज़